भाई आप एक तरफ तो हिंदुत्व की बात करते हो, दूसरी तरफ आप 80 साल पुराना मंदिर, जहां तक मैं रिपोर्ट्स में देख पा रहा था, तो 80 साल पुराना मंदिर आप तोड़ रहे हो। मैं योगी जी से आपके मंच के माध्यम से अपील कर रहा हूं, एक ट्वीट कीजिए असम के मुख्यमंत्री को टैग करते हुए, और असम के मुख्यमंत्री इस बात पे ध्यान दें, नहीं टूटेगा मंदिर। बस इतना कि हाथी के दांत दिखाने को खाने को कुछ और, चरित्र सामने। असम में जो तिनसुकिया में हनुमान मंदिर इतना पुराना तोड़ा जा रहा है, असम सरकार एक तरफ हिंदुओं की बात करती है, गौशाला की बात करती है, और एकदम से इतना बड़ा फैसला लिया जाता है कि इतना बड़ा मंदिर, हनुमान जी का इतना पुराना मंदिर तोड़ा जा रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे सरकार के लिए आप? बस इतना कि हाथी के दांत दिखाने को खाने को कुछ और, चरित्र सामने। भाई आप एक तरफ तो हिंदुत्व की बात करते हो, दूसरी तरफ आप 80 साल पुराना मंदिर, जहां तक मैं रिपोर्ट्स में देख पा रहा था, तो 80 साल पुराना मंदिर आप तोड़ रहे हो, तो हाथी के दांत दिखाने को खाने को कुछ और, आप देते रहिए गौशाला के लिए फंड, आप देते रहिए हिंदुत्व हिंदुत्व चलाते रहिए। अब आप ये सोच रहे हैं कि आसाम एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर नेशनल मीडिया कवर नहीं करती, और कवर भी करेगी तो आपको नजरअंदाज कर देगी, तो जनता बहुत समझदार है, सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया से लोगों तक रिपोर्ट्स पहुंच रही है, पहुंचेंगी। मोदी जी को देखना चाहिए मोदी जी क्या कर रहे हैं। तो आसाम को तो हिंदुत्ववादी बात बता रहे हैं कि आप पहले सीएए लागू हुआ, एनआरसी भी लागू हो गया आसाम में, और आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं हमेशा कहते आए हैं कि हिंदुत्व गौ माता की जय, भारत माता की जय, धरती हमारी माँ है, हिंदुत्व हम हैं तभी ये हिंदुस्तान है, ऐसी बड़ी बड़ी बातें जो उन्होंने की थी, लेकिन आज मंदिर तोड़ रहे हैं, हनुमान मंदिर तोड़ रहे हैं, तो उसको देखकर जनता के बीच क्या प्रभाव पड़ेगा उनका? जनता, मैं कह तो रहा हूँ जनता समझदार है, सोशल मीडिया पे डालेगी, रिपोर्ट्स आई, आप भाई हम तक कैसे आई, हम दिल्ली एनसीआर में खड़े होकर बात कर रहे हैं, कैसे आई रिपोर्ट? भाई पहुंची ना खबर, सोशल मीडिया के जरिए तो पहुंची, नेशनल मीडिया ने तो कवर नहीं किया, रिपोर्टर्स की खबरें दबा दी गई, वहां से नहीं चलाई गई, क्योंकि यहां पे चुनाव है उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में हिंदुत्व का मामला है, नहीं चलाएंगे। देखिए दोहरा चरित्र है, बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, और देश के मीडिया को हिंदू मुसलमान करना भी नहीं चाहिए, बात आस्था की है, मुसलमान की आस्था हो या हिंदुओं की आस्था हो। 80 साल पुरानी ईदगाह होती, मस्जिद होती, तो भी मेरा स्टैंड ये होता, 80 साल पुराना मंदिर है तो भी मेरा स्टैंड यही है। और कहां है वो जो कह रहे थे कि भैया हिंदुत्व की रक्षा, तो 80 साल पुराना मंदिर ही बचा लें, और मोदी जी बचा लें, और योगी जी एक ट्वीट कर दें, बच जाएगा, एक ट्वीट ही तो करना है, एक ट्वीट कर दें, मत तोड़े, प्रशासन नहीं तोड़ेगा, 15 दिन का नोटिस मिला हुआ है। मैं योगी जी से आपके मंच के माध्यम से अपील कर रहा हूं, एक ट्वीट कीजिए असम के मुख्यमंत्री को टैग करते हुए, और असम के मुख्यमंत्री इस बात पे ध्यान दें, नहीं टूटेगा मंदिर। लगातार ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार स्वप्निल व्यास जी जुड़े थे, उनका कहना है लगातार उन्होंने मीडिया में रहते हुए कई कार्य किए हैं हिंदुत्व के लिए, हमेशा ना बीजेपी के लिए ना कांग्रेस के लिए किसी की उन्होंने पक्ष ना रखते हुए अपना निष्पक्ष रखा है, उन्होंने यही हमेशा ये बात की है कि यदि आप जिसकी बात करते हैं उनकी बात हमेशा सत्य होके करें, कभी भी दोहरा चरित्र का इस्तेमाल ना करें। कैमरामैन प्रेमशंकर के साथ राघव शर्मा की रिपोर्ट।